मुझे तो डिवोर्स के पेपर साइन कर दिए पापा। क्या? आप तो शायद ये जानते भी नहीं कि उसके पीछे गुंडा पड़ा हुआ था, उसने तो अर्जुमन को किडनैप भी कर लिया था। अब आप ही मुझे बताएं अंकल, क्या आप उस अगवा शुदा लड़की को मुझ पे फौकियत देंगे? देखिए अंकल, अगर आप मेरा साथ दें तो हम पापा को और रजा को दोनों को खुश और मुतमईन कर सकते हैं। वो कैसे? उसके लिए आपको मुझसे एक डील करनी होगी। आप चाहें तो रिटर्न भी ले लें, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो लड़की, तुम क्या कहना चाह रही हो मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। जो भी कहना है साफ साफ कहो, खुल के। देखिए अंकल, फिलहाल आप पापा की शर्त मान जाएं और सारी प्रॉपर्टी मेरे नाम कर दें। शादी के अगले दिन मैं सारी प्रॉपर्टी आपको वापस कर दूंगी। इट्स अ डील। बहुत समझदार लड़की, अच्छी डील बनाई है तुम। इस पे सोचा जा सकता है। देखो, मेरी बहू तो तुम ही बनोगी, ये तो तय। थैंक यू अंकल। खाना तो बहुत मजे का बनाया आज। तुम खाना क्यों नहीं खा रही? कोई परेशानी है क्या? घर के राशन का सामान कल तक खत्म हो जाएगा। अरे तुम परेशान क्यों हो रही हो? तुम लिस्ट बना देना, मेरे पास सेविंग्स हैं, मैं ग्रोसरीज कर लूंगा। मेरे पास भी कुछ पैसे हैं, आप वो भी ले लीजिएगा। कैसी बातें कर रही हो निदा? मैं शौहर हूँ तुम्हारा, तुम मेरी जिम्मेदारी हो। चलो खाना खाओ जल्दी से। अच्छा किया तुम आ गई। सच में दिल ही नहीं लग रहा था, जब से तुम्हारे घर से आई हूँ ना, बस अजीब बेचैन बेचैन सी हूँ। बैठो। भाई मैं कब चाह रही थी कि तुम वापस आओ। मैं तो चाहती थी कि अभी चंद दिन तुम और मेरे पास रहती, मगर तुम खुद ही आ गई हैं। सवेरा ले बेटा, ये चीज अंदर रख दे जरा। अरे इतना सारा सामान, ये लाने की क्या जरूरत थी? हाँ भाई तुम्हें जरूरत नहीं होगी, मगर मेरे तो दिल की खुशी है ना, ये इतने दिन के बाद आई हूँ मैं तुमसे मिलने के लिए है। खाली आ चली आती क्या? उजाला तुम्हें क्या हुआ है, तुम इतनी खामोश खामोश क्यों? कुछ नहीं, बस अम्मी और खाला की बातें सुन रही थी। तुम बताओ जॉब के लिए अप्लाई किया कहीं? अरे बेटा ये चंद दिन तुम्हारे साथ क्या रहे, तुम्हारी बातों का इस पर ऐसा असर हुआ है। कह रही है मैं भी ना तालीम मुकम्मल करूंगी और नौकरी करूंगी। चलें तो बहुत अच्छी बात है। सोचा तो है, अब खुदा कहे कि ऐसा हो भी जाए। भाई इंशाल्लाह जब इसने सोच लिया है ना तो अल्लाह पूरा भी करा देगा। बेटा खाला के लिए और बहन के लिए कुछ खाने का इंतजाम करो। अरे नहीं नहीं बस अब हम चलेंगे। अरे वाह ऐसे कैसे चलेंगे? आई अपनी मर्जी से हो और जाओगी हमारी मर्जी से। उजाला तुम भी मेरे साथ किचन में आ जाओ, हम दोनों कुछ बना लेते हैं। अम्मा को खाला से मेरी बुराइयां करने का टाइम मिल जाएगा तब तक। हद करती हैं लड़कियां भी बस। सुनैया ये उजाला का चेहरा इतना क्यों उतरा हुआ है, क्या इम्तियाज फिर आया था? इम्तियाज तो नहीं आया था,
मगर कुछ ना कुछ बात हुई जरूर है जो उजाला मुझे बता नहीं रही है। सच पूछो ना तो मैं जबरदस्ती उसको यहाँ इसीलिए लेकर आई हूँ ताकि सवेरा को अपने दिल की बात बता दे। देर से सही मगर अब इन दोनों में खूब दोस्ती हो गई है। चलो तुम फिक्र मत करो मेरी बहन, सब ठीक हो जाएगा। उजाला हमारी बड़ी समझदार है। एक्सक्यूज मी, कौन है आप जी? आप कौन? अमेजिंग, अब मुझसे पूछ रहे हैं कि मैं कौन हूं? आर यू सीरियस? कहीं आप चोर तो नहीं है? कहीं आपको मेरी शक्ल पे चोर लिखा हुआ नजर आ रहा है? चोरों की ना शक्लों पे नहीं लिखा होता कि वो चोर है। आपकी इत्तला के लिए अर्ज है मैडम कि चोर यूं लॉन्च में बैठ के मैगजीन नहीं पढ़ते। क्या पता ये कोई नया तरीका हो, कोई नई ट्रिक हो, चोरों पर क्या भरोसा। लिसन, आप जो भी हैं, ये हाउस मेरे डैड के दोस्त का है। आप हारून है, आई मीन हारून सिकंदर, राइट? या आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। सॉरी हारून, मैं आपको पहचान नहीं पाई। पापा ने मुझे बताया भी था कि आपने आना है। कोई बात नहीं, हर इंसान को अपने घर के लिए इतना कॉन्शियस होना चाहिए। या बट आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। इट्स ओके। आप अनिला हैं? यस, आई एम अनिला जमाल। नाइस टू मीट यू। सेम हियर। बाय द वे, पापा कहाँ है? मेरा ख्याल है अंदर रूम में। चलिए ठीक है, आप बैठिए, मैं जरा पापा से मिलकर आती हूँ। थैंक यू। तुमने अपनी खोई हुई इज्जत तलाश करने की कोशिश नहीं की? या फिर मैं चाहता हूं कि आप अपना घर हक महर में मेरी बेटी के नाम लिख दो। कंग्रेचुलेशंस रजा, आई एम सो हैप्पी। गेस व्हाट, हमारी शादी की डेट फिक्स हो गई है। तुम्हें मजाक सोच रहा है निका? मैं मजाक नहीं कर रही हूं, सीरियस हूं मैं। देख लो, जो तुम नहीं करके दिखा सके वो मैंने कर दिया। तुम्हें क्या लग रहा था, अगर तुम्हें मेरी कदर नहीं है तो क्या मैं तुम्हारे घर में जगह नहीं बना सकती? यू आर सो रॉन्ग। कम टू द पॉइंट अनिका। आई एम सीरियस भाई, मैं ठीक कह रही हूँ। बहुत जल्द मेरे नाम के साथ तुम्हारा नाम जुड़ने वाला है, अनिका रजा। तो क्या तुम्हारे पापा शर्त मान गए? पापा तो नहीं माने, अलबत्ता इम्तियाज अंकल पापा की शर्त मान गए। डैड कैसे मान गए? क्या हुआ रजा, तुम खुश नहीं हो? नहीं, इट्स नॉट दैट, लेकिन डैड, तुम बहुत दिल से तैयार हुई हो। हाँ तो शादी के बाद आज पहली बार कहीं बाहर जा। अगर मेरी जेब भी ज्यादा देती ना तो तुम्हें किसी 5-star होटल ले जाता, लेकिन खैर किसी अच्छे रेस्टोरेंट तो ले जा ही सकता हूँ। मेरे लिए जरूरी नहीं है 5-star होटल, मेरे लिए जरूरी आपका साथ है। आप मुझे वहां भी ना लेके जाएं, हम साहिल के किनारे बैठ जाएंगे, लहरों को देखकर अपनी जिंदगी की नई शुरुआत करेंगे। खैर अब ऐसा भी नहीं है, 5-star ना से किसी अच्छे रेस्टोरेंट तो ले जा ही सकता हूँ, और वहीं लेके जा रहा हूँ। कितना ख्याल है आपको, बताए मैं चाहती हूँ आप हमेशा ऐसे रहेंगे ना? अरे हाँ भाई, चलो तो देर हो रही है अभी। मैं रेडी हूँ, आप रेडी हो जाओ।
डैड ये अनिका क्या कह रही है? हाउ कुड यू डू दिस? आपने अपना घर परेशान होने की जरूरत नहीं है बेटा। खैर तुम्हें ये बात समझ नहीं आएगी, मैं समझाता हूं। इस फाइल में इस घर की दो रजिस्ट्री हैं। एक रजिस्ट्री वो जो हमने ये घर अनिका के नाम कर दिया और दूसरी रजिस्ट्री वो है जो अनिका ने अगली ही डेट में ये घर वापस तुम्हारे नाम कर दिया। मतलब ये कि इस घर की मलकियत फिर से तुम्हारे पास आ जाएगी। और तुम इस घर के मालिक बन गए। हमने क्या करना है कि इसके वालिद जिशान को वो रजिस्ट्री दिखानी है जो हमने इसके नाम ये घर किया। आप समझे? एग्जैक्टली अंकल, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। ये है हमारा प्लान। और ये बात अगर मैं अपने होने वाले ससुर को बता दूं तो? तुम बेटा है तो तू मेरा बेटा, जितनी मर्जी उड़ान भर ले, लेकिन तू मुझे धोखा नहीं दे सकता। क्यों बेटी, अब बताओ, है ना अक्लमंद बहू? जरूरत थी उस आदमी को इतना मारने की? कोई तुम्हें ऐसे देखता है तो मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। फिर भी आपको इतना हाइपर नहीं होना चाहिए था। अगर उस आदमी को कुछ हो जाता फिर पुलिस केस बन सकता था। बनता है तो बन जाए, लेकिन कोई तुम्हें ऐसे देखे मुझसे गवारा नहीं। लेकिन मेरी और तुम्हें भी क्या जरूरत थी इस तरह तैयार होके जाने की? अरे आप मुझ पर क्यों गुस्सा कर रहे हैं? इसमें मेरी क्या गलती है? और मैं आपके लिए तैयार हुई। बस मैं कह रहा हूँ ना, आज के बाद तुम इस तरह तैयार होके बाहर नहीं जाओगी। तरह तरह के लोग, तरह तरह की नजरें, मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। मतलब कि अगर लोग मुझे बाहर देखते तो इसमें भी मेरी गलती। और आप कौन सा मुझे इतने महंगे महंगे सूट दिला देते हैं कि मैं परी लगती हूं। बस तंज करने की जरूरत नहीं है, जानता हूं मेरी इतनी हैसियत नहीं है, लेकिन तुम्हें भी ख्याल रखना चाहिए। प्लीज भाई, मैंने तो हारून से कह दिया है कि जब तक इनका काम खत्म ना हो ये हमारे घर पे स्टे करें। पापा ये तो आपने बहुत अच्छा किया। अरे भाई तुम ये सी फूड लो ना, ये हमारे शेफ की स्पेशल रेसिपी है। हमारे घर जब भी कोई गेस्ट आता है ना, इसकी फरमाइश जरूर करता है। अंकल मैं जरूर ट्राई करता, बट फ्रेंकली स्पीकिंग मुझे सी फूड पसंद नहीं है। इनफैक्ट कि मैं सी फूड लाइक ही नहीं करता। ओह वेरी स्ट्रेंज भाई, हमारी अनिला को भी सी फूड पसंद नहीं है, बल्कि ये तो एलर्जिक है सी फूड से। अगर मुझे पता होता ना तो मैं कुछ और बनवा लेता। अरे नहीं नहीं अंकल, इसके अलावा भी काफी कुछ है, मैं कुछ और ले लूंगा, आप खाएं। अच्छा तुम लो, बैठ तुम लो ना, क्यों नहीं ले रही? जी जी डैड मैं सैलेड ले रही हूँ। हारून अभी आप डेजर्ट ट्राई कीजिएगा, मेरा तो बहुत फेवरेट है। आई होप यू लाइक इट। या ऑफ कोर्स, डेजर्ट तो मुझे भी बहुत पसंद है। अच्छा अब आप ये मत कहिएगा कि आपका स्टार स्कॉर्पियो है। नो नो, 5th नवंबर। Really? Mine is 13 November. इसीलिए आपकी मेरी चॉइस काफी मिलती जुलती है। Yeah, I am surprised. भाई वाह वाह, अब तो खूब जमेगी तुम दोनों, यानी कि चॉइसेस भी एक ही है। अब मान भी जाओ। अच्छा सॉरी ना। क्या सॉरी, अभी हमारी शादी को दिन ही कितने हुए और आपने दूसरों का गुस्सा मुझ पर स्टार्ट कर दिया। तुम्हें पता तो है जब गुस्से में होता हूँ तो कुछ समझ में नहीं आता, इसीलिए तो सॉरी कर रहा हूँ मैं। चाहे आपके सामने आपकी बीवी क्यों ना। अच्छा यार गलती हो गई, आइंदा ऐसा नहीं होगा। इंसान को सही या गलत की पहचान होनी चाहिए। तुम्हारा मतलब मैं गलत हूँ? देखा फिर मेरी बात का गलत मतलब लिया। अरे यार
अच्छा बाबा गलती हो गई, उस वक्त गुस्से में था। आप ही तो कहते हैं गुस्सा हराम होता है। अच्छा यार प्लीज अब बस करो, अब मान जाओ प्लीज प्लीज। एक आध दिन आप लोग भी हमारे घर रुक जाए ना, बल्कि ऐसा करें कि आज आप लोग यहीं रुक जाएं। बेटा मुझे तो कोई एतराज नहीं है, अगर उजाला कह देगी तो रुक जाएंगे। कौन आ गया? अरे अम्मा बैठो मैं देखती हूँ। आ रही हूँ, एक मिनट सबर नहीं होता। पता नहीं कौन आ गया। तुम्हारी इतनी जुर्रत? सवेरा खुदा के लिए मेरी बात सुनो, मुझे तुमसे बात करनी। दफा हो जाओ यहाँ से। सवेरा प्लीज प्लीज मेरी बात तो सुन लो तुम। एक मिनट है तुम्हारे पास, जल्दी बोलो जो बोलना है। हाय रुक जाओ ना, सही तो कह रही है, दिल भी लगा रहेगा। सच में बहुत दिल लगता है मेरा तुम्हारे साथ। एक मिनट मैं जरा देख के आती हूँ। मैं वो सवेरा सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ कि मेरी बेबी मुझसे तलाक लेके जा चुकी है। बहुत अच्छा हुआ, तुम्हारे साथ होना भी यही चाहिए था। तुम जैसे बद किरदार आदमी के साथ रह भी कौन औरत सकती है भला? समीरा, मैं अपनी गलतियां तस्लीम करता हूँ। मेरा जमीर तो तुम्हारी नफरत के निशाने पे है। खुदा के लिए मुझे माफ कर दो। माफ कर दूं? तुम माफी के लायक नहीं हो, काबिल नहीं हो माफी के। बिल्कुल ठीक कह रही हो तुम, मैं माफी के लायक नहीं हूँ, लेकिन मैं अपनी गलतियां सुधारना चाहता हूँ। तुम तो आला ज़र्फ हो ना, मेरी बात सुनो, मुझे माफ कर दो। मैं अपनी गलतियां तस्लीम करता हूँ, अपनी गलती को सुधारना चाहता हूँ। मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। घटिया आदमी, आ गई ना हकीकत जुबान पर। लानत भेजती हूँ मैं तुम पर और तुम्हारे साथ पर, समझ आई? सवेरा मेरी बात तो सुनो, सवेरा मैं अपनी गलती सुधारना चाहता हूँ, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। सवेरा प्लीज मेरी बात तो सुनो, प्लीज सवेरा, सवेरा मेरी बात तो सुनो, मेरी बात सुनो सवेरा, माफ कर दो मुझे।